हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जॉब हंटिंग इन स्वीडन। तो जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह में पॉइंट सिस्टम रहता है वीजा के लिए या फिर पीआर के लिए, स्वीडन में वैसा कुछ नहीं रहता। स्वीडन में आपको आने के लिए पहले आपको एक वर्क परमिट चाहिए, या फिर आप टूरिस्ट वीजा में आ सकते हो या फिर आप स्टूडेंट वीजा में आ सकते हो। तो स्वीडन में जॉब करने के लिए आपको चाहिए वर्क परमिट। तो वर्क परमिट यहाँ पे कैसे अप्लाई करा जाता है, सपोज आप किसी और कंट्री से स्वीडन की कोई कंपनी के लिए इंटरव्यू दिए हो एंड देन यू गेट सिलेक्टेड। जनरली कंपनी का काम ये रहता है कि वो लोग वीजा आपके लिए स्पॉन्सर करते हैं, आपको ऑफर लेटर देते हैं। बट किसी किसी कंपनी में क्या होता है कि वो लोग आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफर तो देते हैं लेकिन आपके लिए वीजा में भी स्पॉन्सर नहीं करते। तो उस केस में आपको जाके स्वीडन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है माइग्रेशन वर्केट जो माइग्रेशन एजेंसी है उनके वेबसाइट में जाके आपको अप्लाई करना पड़ता है वर्क परमिट के लिए। और आप ऐसे ही जाके वर्क परमिट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपके पास कोई एम्प्लॉयमेंट ऑफर नहीं है, देन यू कांट डू दिस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास एक जॉब ऑफर होना चाहिए। आप लोग लिंक्डइन या फिर किसी वेबसाइट के थ्रू जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड देन व्हेन यू गेट योर एम्प्लॉयमेंट ऑफर तब आप जाके अपना वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो। ऑल द डिटेल्स आर देयर इन द माइग्रेशन वर्केट वेबसाइट, तो यू कैन गो थ्रू इट एंड देन अप्लाई फॉर योर वर्क परमिट इफ यू हैव एन ऑफर। नाउ इफ यू आर अ सिटीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चिली, कैनेडा और कुछ कुछ कंट्रीज, अगर आप यहाँ के सिटीजन हो देन आपको एक साल का वर्क वेकेशन मिलता है जहाँ पे आप एक साल तक स्वीडन आ सकते हो और आप काम कर सकते हो, काम ढूंढ सकते हो, इंटरव्यूज दे सकते हो। तो दैट इज अनदर ऑप्शन अगर आप इन सब कंट्रीज में हो। देन अगर आप यूरोप में किसी और कंट्री में हो जैसे जर्मनी, स्पेन या फिर कोई अदर कंट्री, नेदरलैंड्स, तो आपके पास ऑटोमेटिकली स्वीडन में काम करने का जो राइट है वो आपके पास है। ऑल द सिटीजन ऑफ अदर यूरोपियन कंट्रीज हैव द राइट टू वर्क इन स्वीडन। हाँ, अगर आप आना चाहते हो तो डेफिनेटली आप आ सकते हो। और देयर इज अनदर वे ऑफ गेटिंग इनटू स्वीडन, वो है स्टूडेंट वीजा या फिर एक्सचेंज प्रोग्राम। सपोज आप कहीं पे अपना मास्टर्स कर रहे हो या फिर MBA कर रहे हो, तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है कि आप एक्सचेंज स्टूडेंट बन के दूसरे कंट्री जाते हो एक दूसरे यूनिवर्सिटी में। तो तब क्या होता है, अगर आप स्वीडन आते हो एज एन एक्सचेंज स्टूडेंट तो यू हैव द राइट टू स्टडी एज वेल एज वर्क। तो वो और एक ऑप्शन है, ये तो रहा एक्सचेंज स्टूडेंट। अगर आप स्वीडन में पढ़ाई करने आ रहे हो जैसे मास्टर्स या फिर हायर स्टडीज, देन ऑब्वियसली दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन स्वीडन आने के लिए और पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई के साथ साथ आप साइड में जॉब वगैरह कर सकते हो, जैसे कोई भी जॉब, मतलब पार्ट टाइम जॉब जैसे फूड डिलीवरी हो गया, फिर सपोज आपको एक कंपनी में इंटर्नशिप मिल गई जो कि मुश्किल है बट हाँ आप कर सकते हो, तो वो एक ऑप्शन है आपके लिए। बट मैं भी आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगा कि आपको स्वीडन आना है और स्वीडन में आके बस काम करना है, जॉब करना है, इसकी वजह से मैं एक मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर दूँ और आ जाऊँ यहाँ पे। थोड़ा सा रिस्की है बट ऐसा नहीं कि आपको जॉब नहीं मिलेगा, मिल जाएगा लेकिन उसमें थोड़ा सा रिस्क फैक्टर रहता है। सो नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, वो है CV। अपना CV कैसे बनाएं, तो CV आपका 10 पेज वाला CV यहाँ पे कोई पसंद नहीं करता। इट शुड बी लाइक 1 or 2। यू शुड नॉट ब्रैग अबाउट योरसेल्फ कि मैंने ये अचीव कर दिया, मैंने वो अचीव कर दिया है। ये सब चीज़ें यहाँ पे लोग इतना ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि एक नॉर्मल CV, ऐसा CV नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसे पढ़ता रहूँ ऐसे डिक्शनरी की तरह 10 पेज 15 पेज वाला CV, ऐसा नहीं। कीप इट 1 or 2 पेज। एंड आपका कवर लेटर, जो कवर लेटर रहता है कि आप इस कंपनी में क्यों अप्लाई करना चाहते हो और हम लोग आपको क्यों हायर करें, आपको क्या ऐसा अच्छा लगा जॉब डिस्क्रिप्शन में, एक छोटा सा ब्रीफ में आप लिख के कवर लेटर बना सकते हो। CV में आपका फोटो होना चाहिए कि नहीं, आई डोंट थिंक सो। आपके शक्ल देख के आपको नहीं लेंगे, आपके स्किल सेट देख के आपको यहाँ पे कंपनीज वगैरह हायर करेंगे। तो कीप इट सिंपल एंड क्रिस्प ताकि मैं देख के, अगर मैं एक रिक्रूटर हूँ तो मैं देख के हाँ मुझे ये चाहिए, देन आई विल जस्ट कॉन्टैक्ट। जितना हो सके जॉब के लिए अप्लाई करो, ठीक है। 50-60 जगह लोग अप्लाई करते हैं, हमने भी कर रखा है, नेहल ने कर रखा है, मैंने तो फिलहाल किया नहीं था, बट
जितना हो सके उतने कंपनीज में अप्लाई करो, एचआर रहते हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करो। अगर आप स्वीडन में हो, अगर आपके पास जॉब नहीं है, तब मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप स्वीडन में हो जॉब नहीं है, एज अ डिपेंडेंट अगर आप आ रहे हो तब, या फिर आप यहाँ पे वर्क परमिट में आए हो और आपका जॉब चला गया। अगर आप ये सब में भी नहीं है, आप इंडिया में हो और अप्लाई कर रहे हो, तो भी ये एप्लीकेबल है। कीप योर सीवी सिंपल एंड क्रिस्प। सो नाउ यू हैव अ वर्क परमिट और डोंट, यू हैव अप्लाइड फॉर द जॉब, अभी आपको क्या करना है, वेट, पेशेंस। पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप स्वीडन में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। ये मैंने खुद, हमने ये एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 2-3 महीने पहले जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, हमको रिस्पॉन्स आता है, पहला रिस्पॉन्स 1 महीने के बाद आता है कि वी रियली लाइक योर प्रोफाइल एंड वी वॉन्ट टू प्रोसीड फर्दर। तो अब क्या होगा, मैनेजर के साथ एक इंटरव्यू राउंड होगा कि आप लोग हाउ आर यू एज अ पर्सन, ये लोग देखेंगे और उसके बाद फिर से वो लोग भूल जाएंगे। ये लोग गजनी होते हैं इसलिए वो भूल जाते हैं। फिर उसके बाद 1 महीने के बाद, ओके वी रियली लाइक यू ड्यूरिंग द मैनेजर राउंड, नाउ वी वॉन्ट टू गो फॉर अ टेक्निकल डिस्कशन और बीट एनी अदर डिस्कशन। तो ऐसे होता है। तो ऐसा नहीं कि आप जॉब अप्लाई आज कर रहे हो, कल आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा और परसों आपका दूसरा राउंड हो जाएगा और फिर थर्ड डे को आपको ऑफर लेटर आ जाएगा। सो कभी कभी हो जाता है, इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट, बट मोस्ट ऑफ द केसेस दे टेक अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम। तो पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्वीडन में बहुत सारे बड़े बड़े आईटी कंपनीज है, एरिक्सन है, वॉल्वो कार्स मैन्युफैक्चरिंग में, बट उनका आईटी सेक्टर भी है, वॉल्वो ग्रुप्स इज अ वेरी बिग, स्कॉनिया, देन एरिक्सन, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज है जहाँ पे दे डोंट वॉन्ट द एम्प्लॉयज टू स्पीक इन स्वीडिश, ठीक है। तो उस केस में तो चल जाता है, बट यहाँ पे बहुत छोटे छोटे कंपनीज है, बहुत छोटे कंपनीज जो ग्लोबली इतने रिनाउंड नहीं है, तो वहाँ पे दे एक्सपेक्ट पीपल टू लर्न स्वीडिश। सो अगर आप इंडिया में हो एंड यू हैव अ थॉट कि मेरे को फ्यूचर में स्वीडन जाना है, जैसे मैंने जापान का देखा है, लोग जापानीज पूरा अच्छे से पढ़ते हैं, तो स्वीडन में भी अगर आप आ रहे हो, ठीक है, आप टारगेट कर रहे हो, स्वीडिश अच्छे से सीख लो, दैट्स अ वेरी प्लस पॉइंट। और मैं अगर इंग्लिश बोल के कंपनी में इंटरव्यू दे रहा हूँ विद सम स्किल सेट, और एक बंदा सेम स्किल सेट के साथ स्वीडिश में वो प्रोफिशिएंट है, देन आई थिंक दैट गाय विल डेफिनेटली गेट सिलेक्टेड ओवर मी, अगर हम दोनों का स्किल सेट सेम है। लेकिन ऐसा नहीं कि हर कंपनी में ऐसा हो, बिकॉज स्वीडिश जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा ही नहीं, तो उनको अगर कैंडिडेट पहले मिल गया तो वो हायर कर लेंगे। लेकिन छोटे छोटे कंपनीज में अगर स्वीडिश एक रिक्वायरमेंट है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, इफ़ यू हैव सम फ्री टाइम, तो दिन में 2-3 घंटा या हफ्ते में 1 या 2 दिन आप थोड़ा सा स्वीडिश अपना इम्प्रूव करने की कोशिश करें। बहुत सारे फ्री मतलब ट्यूटोरियल्स तो यूट्यूब में बहुत सारे हैं। अगर आप स्वीडन में हो तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू, इवन इफ आप जॉब कर रहे हो या फिर आप जॉब ढूंढ रहे हो, SFI क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, या फिर अगर आप डिपेंडेंट में हो तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में भी स्वीडिश एज अ लैंग्वेज पूरा ऐसे कोर्स होता है जिसमें आपको सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है, एग्जाम्स वगैरह आप देते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। वंस यू लर्न दैट, then it will be very easy to get into any job here, not only IT. तो मैं और एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, अगर आप यहाँ पे जॉब अप्लाई कर रहे हो और छोटे कंपनीज में अप्लाई कर रहे हो, तो जैसे कैफ़े वगैरह में, कहीं पे भी आप बरिस्ता वगैरह में आप जा रहे हो या फिर छोटे रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो, तो इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग टू दोज कंपनीज थ्रू देयर पोर्टल और उनको कॉल करके, इट्स बेटर टू डायरेक्टली गो देयर एंड टॉक टू द मैनेजर। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट है जहाँ पे वो लोग भी स्वीडिश में बात नहीं करते, इंग्लिश में बात करते हैं, तो आप लोग वहाँ जाके भी ट्राई कर सकते हो अगर आप रेस्टोरेंट में काम करना चाहते हो एज अ पार्ट टाइम और अ फुल टाइम। और जैसा कि मैंने CV के बारे में बताया कि आप अपना CV जो है प्रिसाइज और क्रिस्प रखें, अगर आप उसको ट्रांसलेट करके उसका एक स्वीडिश वर्जन भी बना सकते हो, दैट वुड बी रियली अप्रिशिएबल। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन जो है थोड़ा सा स्वीडिश में अगर सीख जाओ, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा एक अच्छा इंप्रेशन आप जमा सकते हो, तो वो कर सकते हो, एंड दिस ऑप्शनल, इट्स नॉट नेसेसरी। तो अब आते हैं हम लोग स्वीडन में इंटरव्यू प्रोसेस कैसा रहता है नॉर्मली कंपनीज वगैरह में। तो जब आपका CV सिलेक्ट हो जाता है, तो वो लोग आपको रीच आउट करते हैं पहले एक इंटरव्यू करने के लिए, जहाँ पे वो लोग आपको कोई टेक्निकल या फिर आपके डोमेन में क्या क्या है वो उसके बारे में नहीं पूछते, वो लोग
दे वॉन्टेड टू नो हाउ आर यू एज अ पर्सन एंड वाई डू यू वॉन्ट टू कम टू स्वीडन. अब अगर इंडिया में हो तो इंडिया छोड़ के आप स्वीडन ही क्यों आना चाहते हो, तो आपके पास एक अच्छा रीज़न होना चाहिए कि मैं स्वीडन ही क्यों जाना चाहता हूँ, मैं क्यों कैनेडा में, क्यों यूएस में, क्यों ऑस्ट्रेलिया या फिर जर्मनी या फिर और कहीं नहीं जाना चाहता, स्वीडन क्यों जाना चाहता हूँ. तो एक अच्छा सा रीज़न आप अपने दिमाग में रखोगे तो ऑब्वियसली दैट विल कैच. तो एक अच्छा सा रीज़न अपने दिमाग में रखो एंड उसको रिप्रेजेंट करो जब आपका इंटरव्यू हो. तो यहाँ पे जो इंटरव्यू होता है बहुत बहुत लंबे लंबे इंटरव्यूज़ होते हैं, तो यू शुड बी वेरी गुड इन कम्युनिकेटिंग योर थॉट्स. और एक चीज़ यहाँ पे आपको इंग्लिश पूरा अच्छे से, मतलब पूरा फ्लुएंट इंग्लिश आपको बोलनी आनी हो, ऐसे मतलब ग्रामर वगैरह में अगर आपका मिस्टेक हो रहा है, बोलने में दिक्कत हो रही है, तो दैट्स फाइन, बिकॉज यहाँ पे लोग खुद, मतलब वो लोग खुद इतने सारे मिस्टेक करते हैं बिकॉज दे प्रिफर, दे इंग्लिश को वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते क्योंकि यहाँ पे सब कुछ स्वीडिश में चलता है. तो अगर आपका थोड़ा बहुत गलती भी हो रहा है तो इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है. आप एक अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, आपके थॉट्स, आप जो सोच रहे हो वो अच्छे तरीके से आप उसको बता पा रहे हो, एंड दैट अदर पर्सन इज एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, दैट इज सफिशिएंट. ठीक है, तो वो एक चीज़ दिमाग में रखो. अगर आपकी इंग्लिश ख़राब हो, ग्रामर वगैरह में प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत नहीं है. बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं जो अच्छे तरीके से इंग्लिश नहीं बोल पाते. मैं खुद ही नहीं बोल पाता हूँ यार मैं, ठीक है, तो इट्स नॉट अ बिग डील. तो अगर आप स्वीडन आ रहे हो एज अ स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कोर्सेज हैं, आप वो सब लेके आप पढ़ाई कर सकते हो. और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप पढ़ाई के टाइम जॉब वगैरह ढूंढते हो, अगर कोई कंपनी रेडी टू हायर यू टू गिव यू अ रोल उनके कंपनी में कि हाँ ठीक है तुम आके काम कर सकते हो, उसमें क्या होता है कि आप जो कंपनी है वो आपका वीज़ा जो वर्क परमिट वो रेज कर देती है. तो इवन इफ आप यू हैव कम्प्लीटेड वन ईयर इन योर स्टडीज़, तो उसके बाद आपको वर्क परमिट मिल जाता है, तो आप काम कर सकते हो बहुत जल्दी, और फिर आप चार साल में पीआर वगैरह के लिए भी एलिजिबल हो सकते हो. तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है. एंड देन यू लेटर पॉइंट ऑफ टाइम आप अपना जो मास्टर्स है वो कंप्लीट कर सकते हो. और यहाँ पे मुझे नहीं लगता, अभी तक मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो लोग आपका 10th का मार्कशीट और 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन में कितना नंबर रखा है, सर्टिफिकेट, ये सब नहीं मांगते. बट ऐसा नहीं कि आप उसको सब फाड़ के फेंक दो. सो दीज थिंग्स रियली डोंट मैटर टू देम. तो मैंने सुना है अभी कोई कोई कंपनी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी कर रही है, मे भी कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा तो इसकी वजह से कर रहे हैं, तो इसलिए वो लोग एक थर्ड पार्टी को असाइन कर देते हैं आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करने के लिए. तो आप तब आपको वो सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको दिखाने पड़ते हैं. तो वर्क परमिट अगर कंपनी अप्लाई करती है या फिर आप अप्लाई करते हो तो वो कितना टाइम लगता है? देयर इज़ नो टाइम लिमिट, ऐसा कुछ नहीं है. अगर स्पॉन्सरशिप आपको मिल जाती है कंपनी से तो वो थोड़ा फास्ट रहता है, जल्दी हो जाता है, जबकि आप खुद एम्प्लॉयमेंट ऑफर के साथ जब अप्लाई करते हो वो थोड़ा टाइम लगता है. तो वो चीज़ देख लेना, लेकिन हो जाता है अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट ऑफर हो. कमेंट सेक्शन में मैंने देखा है कि मेरा तो ऑफर आ गया है और वो लोग भी मेरा जो वीज़ा है वो रेज कर दिए हैं, तो अब तक क्यों नहीं आया, 3-4 महीने हो गए. तो आप लोग वेट ही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते. आपके डॉक्यूमेंट्स या फिर आपके डिटेल्स में कुछ मिसिंग है तो ऑब्वियसली वो लोग आपको रीच आउट करेंगे, बट एट द एंड हो जाना चाहिए. और उसके बाद रहा डिपेंडेंट वीज़ा, तो मैं हमेशा ये कोशिश करूँगा कि आपको अगर जॉब मिल रहा है यहाँ पे तो पार्टनर है तो आप एक ही साथ जो है डिपेंडेंट वीज़ा भी कंपनी को बोलो कि मेरा डिपेंडेंट भी रेज कर दो एक साथ. क्योंकि क्या होता है कि अगर आप आ जाते हो फिर बाद में कंपनी मुकर जाती है कि नहीं हम लोग डिपेंडेंट के लिए नहीं कर सकते, आप खुद कर लो, तो उस केस में फिर से वही थोड़ा सा लेट हो जाता है. तो अगर कंपनी बाद में करने के लिए तैयार है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं कर रही है बाद में तो फिर आप खुद अप्लाई कर सकते हो. लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा अगर आप साथ एक साथ ही कर लो तो वो एक अच्छी चीज़ है. क्योंकि आपके पास अगर वीज़ा आ गया, डिपेंडेंट का भी वीज़ा आ गया, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप दोनों एक साथ ही ट्रैवल करो. मे बी 2 महीने के बाद आपकी जो वाइफ है या फिर गर्लफ्रेंड या फिर आपका हस्बैंड ट्रैवल कर सकते हैं. तो वो एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखना. तो एट द एंड आप अगर इतने सारे कंपनीज में अप्लाई करने के बाद भी आपको स्वीडन से किसी कंपनी से रिप्लाई नहीं आता है तो बहुत सारे और भी कंट्रीज हैं जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो. यू शुड नॉट हैव ओनली दिस ऑप्शन इन योर माइंड कि मेरे को स्वीडन ही जाना है, 15 साल से मैं स्वीडन के लिए अप्लाई करूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए.
आप मल्टीपल जगह में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे अदर कंट्रीज है जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स है। स्वीडन आने के लिए आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि दिस इज़ अ वेरी कोल्ड कंट्री, 6 महीने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड रहती है और डार्कनेस रहता है, बट अभी तो मौसम मतलब अल्टीमेट है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब है, बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आपको स्वीडन से कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा है तो आप बैठ जाओ। अगर आपको बाहर आने का मन है तो ट्राई इन अदर कंट्रीज एज वेल। सो दैट इज़ इट फ्रॉम माय एंड। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर रीच आउट कर सकते हो, मैं अपना इंस्टाग्राम का हैंडल नीचे डाल दिया हूँ, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द पीपल जो लोग स्वीडन आने के लिए प्रोसेस में हैं, या फिर जो लोग स्टूडेंट्स वगैरह स्वीडन आ रहे हो, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि आप जल्द से जल्द आ जाए और आप अपना करियर यहाँ पे अच्छे से बनाए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन वेरी सून। बाय बाय।